हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टू द पॉइंट में। दोस्तों, आज हम विटामिन से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन सी किस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों आंवला में। हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए सर्वाधिक आवश्यक है, यानी कि विटामिन ए किसके लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है। हड्डियों के लिए, आँख तथा त्वचा के लिए, मांसपेशियों के लिए, रक्त के निर्माण के लिए। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन जो होगा आपका आँख तथा त्वचा के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी रोग। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं होता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन के। तो वसा में घुलनशील जो विटामिन होता है वो होता है, सॉरी घुलनशील नहीं होता है आपका डी। भोजन में ऊर्जा का प्रमुख साधन क्या है। तो भोजन में ऊर्जा का मुख्य साधन कार्बोहाइड्रेट या खनिज लौह या प्रोटीन या विटामिन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका कार्बोहाइड्रेट। हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी प्राप्त करने का निःशुल्क स्रोत है। विटामिन डी प्राप्त करने का निःशुल्क स्रोत है। तो इसमें का ऑप्शन है, सूर्य की किरणें, दूध से, अंडे की जर्दी से, मक्खन से। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा आपका सूर्य की किरणों से। आंवला में कौन सा तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो आंवला में दोस्तों सबको पता होगा सबसे ज़्यादा अधिक विटामिन सी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रतौंधी रोग किस तत्व की कमी से होता है। विटामिन की कमी से, या आयोडीन की कमी से, या विटामिन ए की कमी से, या वसा से। तो दोस्तों रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। विटामिन ए, या विटामिन बी, विटामिन सी, या विटामिन डी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है विटामिन सी। भोजन के लिए आवश्यक कार्य है, भोजन के क्या कार्य हैं। शरीर को ऊर्जा